नमस्कार दोस्तों, देर रात 10 बजे की बड़ी खबर आप सभी लोगों के लिए। तीनों पेपर आउट माने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने। देखिए दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर थंबनेल में देख रहे हूँ, ये सही बात है एकदम, तीनों पेपर आउट है। आप लोगों को भी बताऊंगा इसका प्रूफ। चलिए जानकारी देखते हैं इनके ट्वीट में। देखिए खबर इन्होंने दी है यहाँ पर, अशोक गहलोत आप भीड़ इकट्ठी कर लो, भड़काने का काम करो, ये अच्छी परंपरा नहीं है। ये अगर परंपरा रही तो आगे बढ़ते हैं कैसे होगी, ये कहा मुख्यमंत्री जी ने। और क्या कहा, ये तो विपक्ष को समझना चाहिए कि ऐसी गलतियां ना करें, क्योंकि जब बीजेपी का शासन था तब भी पेपर आउट कई बार हुए। ये क्या कह रहे हैं, जब बीजेपी का शासन था तब भी पेपर बहुत बार आउट हुए हैं, हमने तो रीट के पूरे प्रोसेस को बड़े अच्छे ढंग से मैनेज किया है। तो इनका कहना है कि जो है ऐसी गलतियां नहीं करें, जब बीजेपी का शासन था तब भी पेपर आउट होते थे और अभी भी पेपर आउट होते हैं, इनका कहना यह है। ठीक है, समझ गए इनकी बात, भावनाओं को। तो इन्होंने जो है बात बात में ये सब कुछ कर डाला जो कि आप देख रहे होंगे। और इन्होंने इस वीडियो में भी कहा है कि पेपर जहाँ जहाँ आउट हुए हैं 2-4 सेंटरों में, उनको दोबारा हम करवा लेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है। आप देख सकते हैं इनकी बातों का कहने का मतलब कि बीजेपी के शासन था तब भी पेपर आउट हुए, अभी भी हुए। समझ गए बात, इतनी सी एक बात थी। और आप भी जानते हो कि पेपर आउट है, बस सरकार अपने मन को जो है तसल्ली दे रही है। डीपी जारोली को जो बयान नहीं देना चाहिए था वो उन्होंने बयान दिया, वो बता रहे कि इसमें जो है खुली नहीं है सीटें। ठीक है, तो वो सेंटर में खुली थी, उनके पास जो सीटें थी तो वो खोल के क्यों लाएंगे, वो तो एक बंडल लाएंगे अच्छा सा, तो उनमें क्यों खुली रहेगी, जहाँ फर्जीवाड़ा हुआ वहाँ खुली थी। तो ये सरकार की जो बातें कह रही है ये बिल्कुल गलत है सरासर। जो प्रताप खाचरे आवास जो भी मिल रहे हैं मंत्रियों से आश्वासन दे रहे हैं फालतू के, ये इन बातों को छोड़े और सीबीआई को जांच दें। यदि दम है तो दिखाइए इनकी, फिर पता चलेगा क्या है आगे मामला। तो दोस्तों मेरी बात से जो भी सहमत है वह जरूर कमेंट करके लिखे कि पेपर आउट है।